नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवाल, बीकॉम पार्ट वन ईएफएम पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियोस में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर्स में आता है, जिसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोला जाता है। अब इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर है, उसमें तीन चार मार्केट स्ट्रक्चर मेन आते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता। फिर उसके बाद में इम्परफेक्ट कंपटीशन आता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है। एक ओलिगोपली होता है जिसे अल्पाधिकार बोला जाता है, एक मोनोपली होता है जिसे एकाधिकार बोला जाता है। जो अपने सिलेबस से ये चार चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं। अब इसमें मेन टॉपिक अपना आता है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन निर्धारण। तो सबसे पहले बात आती है परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, या मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट क्या होता है। तो मार्केट इज दैट प्लेस वेयर टू पीपल मीट्स टुगेदर टू एक्सचेंज द टाइटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बाजार एक ऐसी स्थान या ऐसी जगह होती है जहां पर दो व्यक्ति किसी वस्तु का टाइटल चेंज करने के लिए मिलते हैं, यानी उसका अधिकार है वो एक से दूसरे को परिवर्तित किया जाता है। अब परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट एंड सेलर सेल्स द होमोजीनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइस। यानी पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार की ऐसी दशा होती है जहां पर अत्यधिक संख्या में क्रेता एवं विक्रेता मौजूद होते हैं। विक्रेता समरूप वस्तुओं का एक समान कीमत पर विक्रय करने का काम करता है। इट मीन्स दो तीन चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। एक तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, और तीसरा यूनिफॉर्म प्राइसेज होती हैं, यानी एक समान कीमतें होती हैं। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या क्या विशेषताएं होती है, जिसमें नंबर वन आता है जो आप लोगों ने डेफिनेशन में भी सुना है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अधिक संख्या में क्रेता एवं विक्रेता। लार्ज नंबर मीन्स यहाँ पर कोई पर्टिकुलर काउंटेड नंबर्स नहीं होते हैं, जैसे 100,000, 1 लाख। लार्ज मीन्स यहाँ पर 1 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, यानी अत्यधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। सेकेंड इसमें आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, समरूप वस्तुएं। हालांकि 100% होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं वो रियल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फिर भी फाइनेंशियल मार्केट है उसका एग्जाम्पल इसमें लिया जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर SBI बैंक है, उसका मान लीजिए शेयर की प्राइस प्रेजेंटली 2,000 रुपीज़ है। अगर वो एक टाइम पर मार्केट में सेल आउट हो रही है तो डेफिनेटली हर एक जगह पर उसकी प्राइस है वो आपको सेम देखने को मिलेगी। ऐसे ही पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, इन सब के एग्जाम्पल हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट में लिए जाते हैं। यानी होमोजीनिटी इन ऑल आस्पेक्ट होता है, यानी हर एक स्थिति में समरूपता होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इस टाइप के प्रोडक्ट मिलना के चांसेस है वो कम होते हैं। जैसे पेट्रोल का एग्जाम्पल इसमें लिया जा सकता है, डीजल का एग्जाम्पल इसमें लिया जा सकता है, फाइनेंशियल मार्केट का एग्जाम्पल इसमें लिया जा सकता है। खास तौर से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसके सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट, जिसपे सेम रेट से इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट दिया जाता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लिए जाते हैं। फिर थर्ड आता है इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यानी बाजार के अंदर फर्म है वो स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन है वो भी स्वतंत्र होता है। किसी भी टाइप का आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होता है, ना ही कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज करे जाते हैं। यानी कोई फर्म मार्केट में मर्जी से एंटर कर सकती है और जब चाहे मार्केट को छोड़ करके जा सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। और ये सिर्फ बायर्स के कंसर्न में ही नहीं आता है, सेलर्स और बायर्स दोनों को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। ये हालांकि अजूम करा जाता है, रियल लाइफ में परफेक्ट नॉलेज होना कोई कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी माना जाएगा कि मार्केट के अंदर जितने भी बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको मार्केट की हर एक कंडीशन का कंप्लीट नॉलेज होता है। नेक्स्ट इसमें आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इकोनॉमिक्स में 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो माने जाते हैं, जिसमें लैंड आता है, फिर लेबर आता है, कैपिटल आता है, एंटरप्रेन्योर आता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन आता है। इसमें ये अज्यूम करा गया है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या उत्पत्ति के साधन है उनकी परफेक्ट मोबिलिटी होती है।
हालांकि इसके भी एक दो एक्सेप्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे लैंड को आप एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन लेबर का मूवमेंट हो सकता है, कैपिटल का मूवमेंट हो सकता है, बिजनेसमैन का मूवमेंट हो सकता है। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके लिए भी ऐसा मान के चला जाता है कि वो परफेक्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें सिक्स आता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन लागत की अनुपस्थिति। साथ ही में ये भी अज्यूम करा जाता है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि आप रॉ मटेरियल मंगवाते हैं चाहे फिनिश्ड गुड्स हैं उसको आप कहीं सप्लाई करेंगे, तो उस केस में आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आती है। फिर नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म प्राइस, समान कीमत। इसका एक रीजन होता है कि जो प्राइसेज हैं वो इंडस्ट्रीज से डिटरमाइन होती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज होते हैं उनसे प्राइस डिटरमाइन होती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो एक जैसी वस्तु के लिए एक सेलर है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, दूसरा उससे कम चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसमें यूनिफॉर्मिटी होने का रीज़न ये होता है कि प्राइसेज हैं वो इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज से डिटरमाइन होती है, दूसरा प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, यानी एक समान दिखते हुए या सेम प्रोडक्ट होता है तो उसका कोई एक सेलर है वो ज़्यादा या कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, जितने भी सेलर मार्केट में होते हैं वो सेम प्राइस चार्ज करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है लेक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, व्यक्तिगत संबंधों का अभाव। यहाँ पर पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू सेलिंग करने का कंसेप्ट नहीं आता, और इसका सिंपल रीजन होता है कि जितने भी सेलर हैं सबके पास सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं वो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, जिसको जहाँ नज़दीक मिलेगा वो वहाँ से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें आता है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ऑफ फर्म, यानी फर्म का मांग वक्र है वो क्षैतिजीय होता है, और इसका रीजन होता है कि आपकी यूनिफॉर्म प्राइस है आप उसमें चेंज कर नहीं सकते, परफेक्ट नॉलेज है लोगों को, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो उस केस में एक्स एक्सिस आता है उसके हॉरिजॉन्टल इसका डिमांड कर्व एम आर एंड ए आर तीनों चीज़ें देखने को मिलती है और वही प्राइस इसमें होती है। तो इसकी 8-9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। यानी फर्म का साम्य या संतुलन, अब इसके कुल दो मेथड आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, कुल आगम वह कुल लागत विधि। इस मेथड के अकॉर्डिंग, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी किसी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम या किसी फर्म का इक्विलिब्रियम डिसाइड करना होता है तो वो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बिहाफ पर इसमें जज करा जाता है। जैसे डायग्राम बनाते हैं इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम चीजें हैं वो डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करी जाती है, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। वाई एक्सिस पर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट को शो करा जाता है, एक्स एक्सिस है उसके अंदर प्रोडक्शन है उसको या आउटपुट को डिसाइड करा जाता है। होगा क्या, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू कर्व है वो इसमें कुछ इस टाइप से जाता है, ये सपोज इसका टी आर कर्व है, टोटल कॉस्ट है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, रीजन बीइंग सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट आती है उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टार्ट होती है, ये मान लीजिए इसका टोटल कॉस्ट कर्व है। अब इक्विलिब्रियम या साम्य की कंडीशन क्या होगी इसमें, कि जहां पर टी आर और टी सी में मैक्सिमम गैप होगा, प्लस टी आर है वो टी सी से ज्यादा होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट या कुल आगम है वो कुल लागत से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, तो ये वाला पार्ट है ये तो पूरा लॉस का बन जाता है, यानी किसी भी फर्म को यहाँ पर हानि होने के पूरे पूरे चांसेस हैं या होगी ही होगी। आप इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, टोटल रेवेन्यू कम है, टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो ये वाली सिचुएशन है वो भी लॉस की आती है। अब ये बीच का पार्ट है, जैसे ये सपोज ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर एक फर्म है उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन देखना ये होता है मैक्सिमम गैप कहां पर है। जैसे
इस टाइप से आते हैं, तो ये वाला पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य बिंदु बन जाता है। कंडीशन इसकी दो है, टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट है उससे ज्यादा होना चाहिए, और दोनों में जो गैप है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। फिर सेकंड जो इसमें आता है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आगे जो इसमें आने वाला पार्ट है उसमें भी वो यूज में आता है, जिसे सेकंड मेथड को बोला जाएगा मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि। इस केस में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि इसका डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से किसी भी फर्म को कुछ इस टाइप से प्राइसेस है वो गिवन होती है, और इन प्राइसेस को एवरेज रेवेन्यू भी बोला जाता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी बोला जाता है। इस साइड में आउटपुट एक्स एक्सिस पर, वाई पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, तीन चीजें आती है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन आती है। एक तो MR कट कर्व को MC कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कट करेगा, और दूसरी कंडीशन आती है वो बिलो पॉइंट यानी उसको नीचे से कट करता हुआ होना चाहिए। जैसे ये सपोज कोई मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो MR कर्व को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, A पॉइंट एंड B पॉइंट, बट दूसरी कंडीशन अपनी क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो पॉइंट से यानी उसके नीचे से कट करता हुआ। तो यहां पर तो वो ऊपर से कट रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो फर्म यहां पर भी हो सकती है लेकिन ऊपर से कट कर रहा है, इट मींस कॉस्ट और कम होगी और फर्म को बेनिफिट होने के पूरे चांसेस है। यहां बिलो पॉइंट से कर रहा है, इट मींस यहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन है किसी भी फर्म के लिए पॉसिबल होता है, तो इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य बिंदु बोल दिया जाता है, और इससे फर्म का आउटपुट है वो OQ डिटरमाइन होता है, यानी फर्म यहां तक पीस इस पर्टिकुलर ओ और क्यू पॉइंट से के बीच में प्रोडक्शन करेगी, और मैक्सिमम प्रोडक्शन इसमें ओ क्यू हो सकता है। तो ये इसमें इक्विलिब्रियम की दो मेथड होते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, और दूसरा मेथड आता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक फर्म का प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन किस टाइप से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।